जय साईं राम दोस्तों, प्रियंका गुप्ता की चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए, अपने अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। प्रियंका गुप्ता के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर करना ना भूलना, और बेल आइकन बटन को ज़रूर बजा देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों यह ब्लॉग संडे का है और सुबह 8 बजे बज रहे हैं, और यहाँ मैंने ब्रेकफास्ट में पोहा बनाया हुआ। ये मेरा बेटा है, खेल रहा है। मेरे बेटा का जो पहला बर्थडे करा था उसका छोटे का वीडियो है। अब बोनी एक टूट टूटा ये नहीं। चलो मैं किचन में आ गई हूँ। आज मैं क्या बना रही हूँ आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैं बनाऊँगी अपने तरीके से, आपको बनाना बताएंगे। बैगन का भरता आज की रेसिपी है, बैगन का भरता। यहाँ पर बैगन मेरे यहाँ लेडीज़ नहीं सेकती हैं, मतलब गैस पर या लड़का या जन से ही रखवाया जाता है, तो मैंने अपने बेटे से रखवा दिया था। मैंने बैगन में कुछ नहीं लगाती हूँ, सीधा गैस पर रख देती हूँ। उसको अच्छी तरह से सेक लिया है, उसका छिलका निकाल कर हाथ से फोड़ लिया है, मतलब बारीक कर लिया। या आप ग्राइंडर या सिलबट्टे पे आप पीस सकते हो। ये सब मैंने कर एक साइड रख दिया है। यहाँ पर मैंने जो सामग्री है वो मैंने काट कर रख ली है। 4 टमाटर, अदरक, मिर्च और प्याज, ये सब मैंने काट कर एक साइड रख लिया था। फिर यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर कर एक कढ़ाई में तेल लिया है। तेल गर्म हो जाए तो उसमें जीरा, अजवाइन, हींग डालिए, 2 खड़ी लाल मिर्च, अदरक, मिर्च और प्याज, इन सबको डालकर थोड़ा प्याज ब्राउन कलर का भून लेना है। फिर आपको टमाटर डाल लेना है और थोड़ा मिलाकर, और ये मटर है, ये घर की मटर है, तो मटर डालकर मिलाकर उसको, टमाटर और मटर को दोनों को आपको पका लेना है। जब मटर और टमाटर पक जाए उसमें आपको मसाले डालना है, हल्दी, धनिया और लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक डालकर उसको अच्छी तरह से मिलाकर, थोड़ा पानी डालकर जिससे मसाला जल लेना। फिर 1 मिनट तक भून लेना है। फिर उसके बाद आपको मैगी मसाला और गरम मसाला दोनों डालकर मिलाकर भून लेना है 2 मिनट तक। फिर उसमें आपको बैगन डाल देना है। बैगन का जो भरता बना कर रखा था ना, बैगन का, वो बैगन का भरता डालकर उसको मिलाकर 2 मिनट तक आपको भून लेना है। फिर आप अमचूर या नींबू का जूस डाल सकते हो। हमने नींबू का जूस डालकर मिलाकर और 1 मिनट तक भून लिया। फिर उसमें हमने ढेर सारा हरा धनिया डाल देना, मिला देना है, और ये बैगन का भरता बनकर तैयार है। ये खाने में बड़ा स्वादिष्ट लगता है। आप लोग भी मेरे तरीके से एक बार बैगन का भरता बनाकर ज़रूर देखना और खाना। ये मैंने प्लेट में भी सर्व कर बता दिया है। यहाँ बैगन का भरता बनाकर मैंने उसको एक साइड रख लिया है। यहाँ पर मैंने सैलेड काट कर रख दी है, आम, मूली और टमाटर, ये मैंने काट कर एक साइड रख दी है। फिर यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ रोटियों का। मैंने रोटी या फुलका ही बनाऊँगी। यहाँ मैंने आटा लिया था और नमक, और मैंने इसमें घी डाला है, और अच्छे से मिलाकर और पानी से मैं आटा गूँथ लूँगी। और गूँथ कर उसको 5-10 मिनट के लिए ढककर रख दूँगी, जिससे सॉफ्ट हो जाएगा। फिर मैं आटे की लोई बनाकर उसकी रोटियाँ सेक लूँगी। दोस्तों कोविड चल रहा है, प्लीज़ आप अपने अपने घरों में रहिए, स्वच्छ रहिए और अपने अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। ये बहुत तेज़ी से महामारी फैल रही है, अब फिर से आ गई है, और बहुत परेशान हो रहे हैं सभी व्यक्ति। अब संडे को तो लॉकडाउन ही लगा हुआ था, और सब लोग अपना वैक्सीन वगैरह भी ले लेना,
क्योंकि वैक्सीन भी बहुत ज़रूरी है, और वैक्सीन लगवा लेना। पर मैं रोटियों को सेक रही हूँ और मेरी फुलका बनकर तैयार है, और बस अब लंच करना है। आप लोग भी आ जाइए लंच करने के लिए। और बैगन का भरता और रोटी खाने में बड़ी स्वादिष्ट लगी थी, और बैगन का भरता लाजवाब बना हुआ था, एक बार आप लोग ज़रूर बनाना। यहाँ पर मैंने सर्व रोटियाँ बना ली हैं और घी लगा कर रख ली है। यहाँ पर देखो बैगन का भरता और रोटी और सलाद है। यहाँ पर मेरा, मेरे बच्चे, हस्बैंड का लंच हो गया है, और संडे था तो घर पे थे, तो मेरा और मेरे बच्चे का यहाँ पर मेरा लंच हो गया है। जो बर्तन थी तो मैंने उसको साफ कर लिया है। चलो अब मेरा यहाँ तक का वीडियो था। अच्छा, आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छा लगता हो। प्लीज़ वीडियो को देखा करो।
चलो दोस्तों अब वीडियो का एंड करते हैं, आज का ब्लॉग यहीं तक का था, कल के ब्लॉग में फिर जल्द मिलेंगे और तब तक के लिए बाय बाय। प्रियंका गुप्ता किचन को सब्सक्राइब कर लेना और लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबा देना, इसी वीडियो के नीचे आएगा और बेल आइकन बटन को जरूर बजा देना जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।